तुमको नज़र आ रहा होगा, पाकिस्तानी भाई आया हुआ है कोरिया से, और इससे जो है ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते हैं। इन्होंने वीज़ा बाय किया और यहाँ पे छुट्टियाँ गुजारने के लिए आए हैं कोरिया से। सो इनसे पूछते हैं क्या सवाल किए इमिग्रेशन में और क्या मसला बना है, बताएं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम हारून है। मैं तो कोरिया से ही आया हूँ। पाकिस्तानी पासपोर्ट है ना? पाकिस्तानी पासपोर्ट है जी, बिल्कुल। इमिग्रेशन वाले ने क्या पूछा? इमिग्रेशन वालों ने बस दो तीन सवाल ही पूछे, ज़्यादा कुछ नहीं। कि भाई कहाँ से आए हो और किस लिए आए हो? ये तो कॉमन है, बस यही सवाल थे। और क्या कितने दिन यहाँ रहोगे? मैंने कहा बस 7-8 दिन। तो कहता है ठीक है बस जाओ, बस यही सिंपल से दो तीन क्वेश्चन हुए। और वीज़ा तो मैंने जीशान भाई के थ्रू लगाया था, और जीशान भाई तो आप लोगों को वो सब पता है। मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं भी जो है ना बस रेफर करता हूँ लड़कों को आगे, हमारे भाई लगाते हैं वीज़ा, और मैं कोई एजेंट वगैरह नहीं हूँ। बस वैसे जो ना आप लोगों की मोहब्बत है, लोग मुझसे पूछते हैं, वैसे मैं जस्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने के लिए बैठा हूँ कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप लोगों में भी अगर कोई आना चाहता है तो भाई ये भाई है जीशान भाई, मैं जस्ट इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, हेल्प करेगा। ये नहीं है कि ये मतलब एजेंट है, आप लोगों से मतलब ज़्यादा पैसे ले रहा है या कुछ भी नहीं है। जो नॉर्मल है, जो रिक्वायरमेंट है, वो सब आपको बताया गया कि इस तरह करना है बस, और वीज़ा आराम से लग जाता है। अच्छा, ये भाई जो है ना कौन से एयरपोर्ट पे आपका स्टाफ था कोरिया से? कोरिया से मनीला। मनीला में स्टाफ था? मनीला में जो है ना पंडोंगी लुंडोंगी इनकी जो एप्लीकेशन है ना वो थोड़ी सी फंस गई, और उसमें जो है ना भाई का डाटा जो था ना प्रोसेस नहीं हो रहा, तो बड़े परेशान हो गया था। उसके बाद में नहीं हुआ था, यहाँ पे हुआ है फिर। अच्छा, वो बार कोड पे नहीं हो रहा था तो काउंटर पे जाके उन्होंने फिर अच्छा जल्दी से कर दिया, दो मिनट में बस हो गया। हाँ हाँ, वो ये वैसे वो लड़की ने बोला कि जब तक तुम्हारा डाटा मतलब लड़ूंगी मैं, वो नहीं होगा ना अपडेट नहीं होगा तो तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वैसे डराया इसने भाई, डर गया ना, मुझे कॉल की इन्होंने। हाँ। अभी जो है ना वो होटल में भाई ने जाना था, तो भाई के पास डॉलर थे, करंसी इंडोनेशिया की नहीं थी, तो इधर ले आए भाई को। फिर मैंने कहा सीधा इधर ही आ जाओ फिर, अभी तो इधर सोते हैं इंशाल्लाह, फिर देखेंगे सुबह। तो अभी ये छुट्टियाँ गुजारनी है ना आप? अब इंडोनेशिया में कितने दिन का स्टे है आपका? 27 तक से, 28 को मैंने जाना है बैंकॉक, तो इंशाल्लाह यहाँ भी रहेंगे फिर रहेंगे। मतलब दिन कितने बनेंगे आपके यहाँ? दिन बनेंगे 11-12 दिन बनेंगे। 11-12 दिन बनेंगे आपके? तो मैं मदरलैंड के अंदर बुकिंग करवा दूँ या घूमेंगे फिरेंगे आप यहाँ पे? घूमेंगे फिरेंगे फिर बोगोर में, और इधर बाली भी जाना है ना? बाली जाना है फिर। कोल्ड। अच्छा, ये उस टाइम आपने कोल्ड काफ़ी का ऑर्डर दिया था? नहीं नहीं, जब उधर चित्रा में खाना खाया ना रोटी चने, मैंने उसको बोला गरम काफ़ी का ऑर्डर दिया मैंने, उसने वो ठंडी याक करके दी, मेरे दिमाग के तबक रोशन हो गया। सो गाइस, हमारे भाई आए हुए हैं और कल रात आए थे और यहाँ पे स्टे किया, और सुबह जो है ना फिर हम लोग गए कोई इनके डॉलर एक्सचेंज करवाने थे, वो करवाए हम लोगों ने। उसके बाद जनाब पहले तो हम लोग ढूंढते रहे मुझे खुद नहीं मिल रही थी ना डॉलर एक्सचेंज वाली जगह। सो ये मेरी बेगम मेहमान नवाजी कर रही है माशाल्लाह, और ये मैंने कल भी बताया था सुबह 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 के टाइम ना, हम लोग रात को काफ़ी वेट किया भाई का, बड़ी फ्लाइट इनकी लेट थी, और अभी जो है ना हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर चेंज कराए, हमें 100 डॉलर का जो है ना इनका 14 लाख मिला इंडोनेशिया का, 28 लाख में चेंज करवाए हैं डॉलर हमने। और उसके बाद अभी भाई की फ़्लाइट है, भाई जा रहे हैं बाली में, और बाली में इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बाली बड़ा खूबसूरत है ना? अभी टाइम नहीं था, हमारा टाइम उधर ही चला गया, हम लोग सिम लेने गए और ये डॉलर चेंज करवाने गए, सारा टाइम उधर ही ज़ाया हो गया हमारा। पसंद है आपको चावल के साथ? अच्छा, और कुछ हमारे पाकिस्तानी भाई तो ज़्यादा ही अच्छे तरीके से तबीयत पूछते हैं कमेंट के अंदर, वो भी मैं उनके भी मैं पढ़ता हूँ लेकिन बस जवाब नहीं देता मैं, और रोटी खाऊँ टुकर पके क्या है ना टुकर था मसा तू पकेंदी नहीं, मैं क्या खाऊँ तेरे चावल खा के मैं मसा। अच्छा जनाब, ये सायूर है, ये वसल वजह जरा भूखा थी ना सारे देहात दे, भूखा लंबे
ये वसल ही इस्तेमाल करें ये हूँ कढ़ा से पूरा डटी खड़ी खाड़ मसाद एक तक एक मिनट में पिछला कैमरा खोल के दिखे ना ये चेक करो जनाब जी पतीली चढ़ी खड़ी है सही मन एक वक्त तो इन जरा ना गोश्त तो बोचा तो इस किस्म का कोई खाना पकाई पिए बनाई पिए और ये सुबह सुबह उठ के चली गई और मैं तकरीबन तहज्जुद की नमाज पढ़ी मैंने उसके बाद मैं सो गया। जस्ट फॉर हॉलीडेज नो एनी गर्ल फ्रेंड नो एनी गर्ल अच्छा आज गए ना भाई के साथ हम लोग सिम खरीदने के लिए तो लड़की खड़ी थी ना साथ में खाना खाने के लिए गए तो लड़की ने पूछा मैंने कहा भाई अमेरिका से है ना डॉलर लिए हुए थे हम लोगों ने तो कहती है कि इनका नंबर दे दें मुझे तो मैंने कहा भाई देना है नंबर कहते भाई नहीं नहीं देना तो मतलब यहाँ पे बड़ी इजीली जो है ना लड़कियाँ मिल जाती है पाकिस्तान में। अच्छा पाकिस्तान है जो है ना लड़के पूछ पूछ के मर जाते यार हमें ढूंढ दो हमें ढूंढ दो। अब देखो जहाँ मतलब क्या माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से 17-18 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए तो लोग कॉन्टैक्ट भी तो उसी हिसाब से कर दें ना फिर किस किस बंदे को ढूंढ के दें इधर मैरिज ब्यूरो तो नहीं खोलो है ना तो शादी को छोड़ो भाई को मैंने देखा इसके मैसेजेस जितने आते हैं कि रिप्लाई करना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बैठे हो ना रात को कितनी देर बैठा रहा सही है। बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई मेरा एक्सपीरियंस तो फिलहाल बहुत ज़बरदस्त रहा। मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? भाई जब ऐसा फील होता है जैसे अपना अपना भाई यहाँ पे मौजूद हो ना किसी चीज़ का मसला नहीं है। तो आप लोग भी अगर आना चाह रहे हो तो भाई से रब्ता करो सपोर्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह लेकिन ये सपोर्ट करेंगे भाई फजूल रब्ता ना क्या करो। एक बंदे ने आना है जी साल बाद वो कहता है जी कॉल करके सारी डिटेल लेके हाँ भाई आना है कहते हाँ मैंने साल बाद आना है। एक एक लड़का कहता है यार निशान यार मेरी कमेटी निकलनी है तो 27 तारीख न ते मैं केड़े महीने से 27 तारीख वो पता चला जी 6 महीने बाद उसकी कमेटी लिखी तो भाई तो मैं तुम्हारी कमेटी निकलने का इंतज़ार करता रहा। सो ये तो हालात है यार हमारे पाकिस्तानी भाई कहते मेरी कमेटी निकलनी है ते एक और भाई मेरा कह रहा था मैं मजाक नहीं उड़ा रहा लेकिन भाई मेरे जो है ना मैं कोशिश करता हूँ ऐसे लोगों की सपोर्ट करूँ क्योंकि बेचारे बड़ी मुश्किल से पैसों का बंदोबस्त करके वहाँ से आते हैं। मैं खुद सही बात बताऊँ ना मैं खुद जो है ना मैंने एक एक रुपया इकट्ठा करके इंडोनेशिया में मैं आया हूँ यहाँ पे। सो मुझे आप लोगों की तकलीफ़ आप लोगों की दुख अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ। आप लोग मायूस ना होया करें मैं अगर आपको जवाब प्रॉपर नहीं दे पाता तो मैं सेटअप बना रहा हूँ अभी नबील आ रहा है मेरे पास नबील मेरा भाई है इंशाल्लाह तो मेरा भाई आ रहा है इधर स्टे करेगा उसकी वाइफ भी मेरे घर में ही स्टे करेंगी वो परमानेंट स्टे करेगा यहाँ पे तो इंशाल्लाह वो जो है ना मेरे साथ ही होगा और मैं उसका वेट कर रहा हूँ काफ़ी अभी मैंने उसको कॉल भी कर रही थी मुझे उसको कॉल करने के लिए भी टाइम नहीं मिला। और मज़े की बात बताऊँ मैं अपने घर वालों को भी इतनी ज़्यादा कॉल नहीं करता बस 5 मिनट या 2 मिनट मेरी बात होती है घर वालों से तो मैंने अम्मी अबू को भी इधर ही बुलाना है सेटल करना है एक मुकम्मल फैमिली बन जाए इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों की दुआ चाहिए आप लोगों की मोहब्बत चाहिए गाइस और चैनल को यार सब्सक्राइब लाजमी किया करो क्योंकि बगैर सब्सक्राइब के तो गुजारा ही नहीं है ना। हमारा लाइव कॉल आ रही है सुनते हैं लोगों का मसला क्या है देखते हैं क्या कहते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम कैसे हो भाई जान ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर कैसे कॉल की सर? सर वो आपकी वीडियो देखता हूँ इसलिए मैंने आपको कॉल किया। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं भाई? बहुत अच्छी लगती हैं सर। लोग तो मुझे कमेंट में गालियाँ देते हैं कुछ बोलते हैं कि जनाब बीवी के खान टुकड़ों पे पल रहे कुछ कुछ कहते हैं सर। ओ भाई लुमाने को छोड़ो आप जो है ना आप सिर्फ लोगों की बातों पे रहोगे तो परेशान रहोगे अपनी लाइफ एंजॉय करो। बिल्कुल सर जी अपनी लाइफ एंजॉय करो बाली में हलाल फूड नहीं होती इतनी ज्यादा जबरदस्त जबरदस्त नौमान You open restaurant? Yes. Before me friendship with you, yes? Yes. Where restaurant? Finish.
मैं को लग रहा था जैसे यार नहीं खा गया उसने तो जैसे दोस्ती वैसे कोरोना नहीं परसन नो एनी परसन ईटिंग योर मनी ओह अच्छा अच्छा कह रही है लोग कोरोना आया ना लोगों ने खाना खाना भी छोड़ दिया परसन स्लीपिंग नो ईटिंग स्लीपिंग बिकॉज़ कोरोना स्टॉप बिजनेस ना एनी बिजनेस करोना की वजह से सारा ही ख़त्म हो गया। करोना ने सबको बर्बाद किया यार। जलील पाकिस्तान है तंग था हैं जलील था हैं तेरे पीछे वड़े रूले हैं लोग पता है मैं मसाद क्या दे अदे इंदे रंबे गोड़े चे मेरे गांव वाले क्या कहते हैं कहते जीशान के जो है ना रंबे मतलब ये चंबे है ना हाथ ये गुड़ के अंदर है मतलब पाँच उंगली भाई आपने इधर आके देख लिया होगा ना कितनी गुड़ में है कितना मसरूफ होते हैं शौक तो है इन लोगों को आने का लेकिन जब बंदा बाहर आए ना तो फिर चार पैसे भी तो कमाए ना बंदा बिल्कुल ऐसे तो फ़ायदा नहीं है ना फिर पैसे कमाने के लिए फिर सारी सारी रात बैठना पड़ता है फिर ऐसे तो पैसे नहीं आते ना फिर पसीना तो आता है फिर पैसों के लिए फॉरेन कंट्रीज में मेहनत है बहुत मेहनत भाई हाँ मेहनत पाकिस्तान में तो चलो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है जैसे हम घर में बैठिए ना इधर कोई कारोबार भी खोल सकते हैं घर के बिजनेस भी कर सकते हैं यहाँ पर लेकिन हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है ना तो जा रहे हैं और ये ग्रैब बुक की है एयरपोर्ट पे जो है ना ये 1.5 लाख रुपया ले रहा है ग्रैब वाला और भाई जो है ना जा रहे हैं फिर ओके भाई इंशाल्लाह बाले की टिकट है इनकी और मैंने अभी ये वीडियो अपलोड करनी थी इसलिए भाई को मैं भाई ग्रैब भेज रहा हूँ ना बाय बाय अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टेक केयर